चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। आज मैं आपको हिंदी राइटिंग बुक में चित्र पहचान कर शब्दों को पूरा कीजिए, ये पेज नंबर कौन सा है बच्चों? 5। अब देखिए, किसी बच्चों के पास में कुछ बुक्स ना राइटिंग बुक चेंज भी हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि जो मैडम की बुक है हमको वही वर्क करना है। आपकी बुक में जो भी वर्क दिया हुआ है आप उसको करिए, ओके। आपकी राइटिंग बुक में जो भी वर्क है आप हिंदी में उसी वर्क को, पेज को कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब ये क्या है? न बना हुआ है। अब ये ल है, हमें फर्स्ट लेटर इसका लिखना है, तो क्या लिखेंगे? न। क्या लिखेंगे यहाँ पर? न। तो क्या बना है मिलकर? नल। अब सेकंड पिक्चर किसकी बनी हुई है? कलश। तो क भी बना हुआ है और श बना हुआ है, तो मिडल में हमको क्या लिखना है? ल। ल कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। ये क्या बन गया? कलश, ओके बच्चों। अब ये क्या है? सर्कस, ठीक है। तो स भी लिखा हुआ है, र लिखा हुआ है, अब मिडल में क्या लिखना है? क। तभी तो बन गया, मिला के क्या बनेगा ये? सर्कस, स र क स, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट क्या आता है? ये क्या है? रथ, ओके। अब थल बना हुआ है, तो फर्स्ट लेटर हमें क्या लिखना है? र, र लिखेंगे, ओके बच्चों, र थ। अब ये क्या है? म ग र, मगरमच्छ देखा किसी ने? तो यहाँ क्या लिखना है? ग, म ग र, ओके बच्चों, ग लिखेंगे, म ग र, मिला के क्या बन गया ये? मगर। अब ये क्या है? उपवन, उ बना हुआ है, प लिखना है बीच में, प व न, उपवन, ओके बच्चों। आप कैसे पढ़ेंगे? देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही पिक्चर हो, मैडम चेंज करके कोई और भी पिक्चर्स दे सकती हैं आपको। आपको बस आपको पहचानना है कि हमें लिखना क्या है उस पिक्चर के अकॉर्डिंग, ओके बच्चों। जैसे यहाँ नल बना हुआ है, नल की जगह पे कोई और भी पिक्चर हो सकती है, ठीक है ना। जग भी बना हो सकता है। अब जैसे कि मैडम ने जग ज लिख दिया, ग नहीं लिखा, तो ग आपको लिखना होगा पिक्चर पहचान कर जग की। इसी तरीके से मैडम ने दे दिया आम, तो आम बना दिया। अब म लिख दिया, म, तो उसका फर्स्ट लेटर लिखो, तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा उसका? आ, आम। इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसको पढ़ेंगे, नल कलश सरकस रथ मगर उपवन, ओके बच्चों। आज का इतना ही वर्क है आपके लिए, ये अपनी नोटबुक्स पे आपको बुक्स पे कंप्लीट करना है और इसको रीड भी करना है, ओके बच्चों। गुड बाय।